नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक हम नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो हमें तो बहुत पसंद है, घर के सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया जाए। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए, चलिए पहले उसे देखते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं झींगा मच्छी की सब्ज़ी बनाने की आसान सा तरीका, जो कि जिस मसाला जो घर में अवेलेबल हमेशा रहता है तो उसी से हम झटपट कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छी तरीके से साफ करके इसके जो मोटे से छिलके होते हैं इसे निकाल के मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। धोने के बाद हल्दी और नमक थोड़ा सा इसमें अच्छा से लगा के इसमें मैंने 10 मिनट के लिए इसे रख दिया है। और इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट ये बना के रखा हुआ है, ये एक मीडियम साइज़ का टोमेटो का प्यूरी बना के रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये पैन चढ़ा दिया है गैस ऑन करके, इसे गर्म होने के लिए दे रही हूँ। तेल गर्म होने के लिए दिया है। जैसे ही ये तेल गर्म होता है तो इसमें हम ये जो मच्छी है इसे धीरे धीरे डाल देंगे। धीमी आंच में मच्छी को हम भुनेंगे, इसे ज़्यादा नहीं भुनना है। ज़्यादा भुनने से ये मच्छी का जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा और इसका ग्रेवी में वो स्वाद नहीं आएगा। तो इसे हम मीडियम आंच में धीमे धीमे इसे एक साइड भून के हो गया है। इसकी जो छिलका उतारने की वजह से इसका रंग जैसे एक संतरे का कलर जैसे हो जाता है, इस तरह का नहीं हुआ है। अगर ये छिलका रहता तो इसका कलर भूनने के बाद जैसे संतरे का जो रंग होता है इस तरह का हो जाता है, लेकिन उसमें जूस पूरा मसाले का जो फ्लेवर है उसमें अंदर नहीं जा पाता है, इसीलिए मैंने छिलका सारा निकाल लिया है। ये देखिए, अब ये दूसरी तरीके से दूसरी तरह से इसे अच्छे से भून लेते हैं। देखिए हमारे ये मच्छी है दोनों तरफ से भून के हो गया है। तो इसका अभी हम इसे उतार के रख देंगे। इसका तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद दो टुकड़ा दालचीनी 3 लौंग में ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे, लहसुन प्याज को पेस्ट बना के रखा था पहले से डाल दिया है। फिर इसमें अपने स्वाद अनुसार मिर्च डालिए, ये मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर दे दिया है। और इसे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 4 जो मैंने इसे शीरा लगा के रखा हुआ हरा मिर्च, और पहले मैंने मच्छी में जो फ्राई करते थे मैं नमक दिया हुआ था, इसलिए नमक हम स्वाद अनुसार ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इसे अब हम अच्छी तरीके से भूनते हैं। 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में धीरे धीरे इसे भूनेंगे। मसाला हमारा भून के एकदम परफेक्ट हो गया है, इसका तेल छोड़ने लग गया है। अब हम इसमें ये जो टोमेटो का प्यूरी बना के रखा हुआ था इसे हम डाल देंगे। इसके बाद इसे मिक्स करके टोमेटो डालने के बाद थोड़ा पानी छोड़ने लग जाता है, तो इसे हम थोड़ा अच्छी तरह से इसे पक के इसका कच्चापन जाने तक इसे हम धीमी आंच में थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए टमाटर का पानी भी सारा सूख चुका है, मसाला ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये देखिए 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद मसाले में थोड़ा उबाल आने देते हैं।
इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इसका ग्रेवी ज़्यादा थिक नहीं होता है और ज़्यादा लाइट भी नहीं होना है, मीडियम आज मीडियम जो है क्वांटिटी इसका रहना चाहिए। इसका उबाल आना शुरू हो गया, अच्छी तरीके से इसे उबाल आने दिया। फिर उबाल आ चुका है, अब हम हमारे जो ये फिश को जो फ्राई करके मच्छी को फ्राई करके रखे थे इसे धीरे धीरे इसमें मिला देंगे। इसे आप 5 मिनट के लिए उबालने के लिए छोड़ देते हैं, 5 मिनट तक इसे उबालने देते हैं ताकि ये जो मच्छी का जितना रस है वो पूरा मसाले में रच बस जाए और इसका स्वाद भी बढ़िया आ जाए। तो चलिए इसे 5 मिनट तक मीडियम आँच में बॉईल होने के लिए छोड़ देती है। ये जो है झींगा मच्छी जो कि चिंगड़ी माछ बोला जाता है, इसकी ग्रेवी हमें जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए उस लेवल तक पहुंच चुका है। ये 5 मिनट अब मैंने रखा था, करीब हो चुका है। अब हम इसमें ये मलाई ऐड करेंगे, करीब मैंने 4 टीस्पून इसमें मलाई डाल दिया है। इसे बस उतारने से जस्ट पहले ऐड करना है। तो उसे 3 मिनट से हिलाएंगे। झींगा मच्छी इसकी मलाई करी बन चुकी है, तो इसे अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे नीचे उतारते हैं। हमारा झींगा मच्छी का ग्रेवी जो बनके तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, झटपट बन जाता है, जो आसानी से घर में आपके सब कुछ अवेलेबल रहता है उसी से मैंने बनाया है। तो सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।